नमस्ते बच्चों। तो क्लास सिक्स का हमने जो है वो यूनिट सिक्स स्टार्ट किया था सब्सटेंस इन डेली यूज, उसमें से अब आज के दिन हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस, और इसमें बात करेंगे रबर के बारे में। ठीक है, अब रबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल रबर और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है? मैन मेड, जो इंसान ने बनाया है। अब इंसान ने रबर तो बना नहीं सकता, तो जो नेचुरल रबर होता है उसमें कुछ प्रोसेस करके जो हम रबर बनाते हैं। देखिए, जैसे व्हीकल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन वाले टायर्स होते हैं, रबर के टॉयज होते हैं, कुछ इरेजर्स होते हैं, तो वो इंसान ने बनाए हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको आर्टिफिशियल बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये नेचुरल रबर जो होता है वो क्या होता है। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम रबर प्लांट बोलते हैं, तो इसमें से गम या सैप निकलता है। सैप यानी लिक्विड, गम यानी लिक्विड निकलता है जिसको लैटेक्स बोला जाता है। ये मिल्की कलर का होता है, यानी व्हाइटिश ऐसा मिल्की एक सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोला जाता है, लैटेक्स। यहाँ पे वो एक बीकर रख के इसको जो है वो जो प्लांट होता है ना उसको ऐसा थोड़ा कट किया जाता है, कट यानी ऐसा थोड़ा ऐसा ये किया जाता है, उसमें से जो है वो ये रबर जो है वो ये एक मिल्की सब्सटेंस जो है वो फ्लो होता है और इसमें बिकर में जमा करते हैं। आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया नेचुरल रबर। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है। अब ये तो हो गया नेचुरल रबर। उसके बाद इंसान ने इस रबर का यूज़ करके जो है वो आर्टिफिशियल रबर बनाया। अब आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है? रबर जो होता है इसमें एक केमिकल ऐड किया जाता है, सल्फर। रबर और उसमें केमिकल ऐड किया सल्फर, इसको हीट किया 3 से 4 घंटा, और उसके बाद जो है वो ये रबर क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है और इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है। और उसके बाद इसको जो है यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम टायर्स यूज़ करते हैं उसका यूज़, यानी उससे ये बनाया जाता है। जो बहुत सारे रबर के टॉयज़ होते हैं, इरेजर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो रबर से बनाई जाती है, तो वो सारे ये इसको बोला जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट ईयर भी आपको आएगा, नेक्स्ट क्लास में उसके आगे भी आएगा, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि रबर में सल्फर मिलाया जाता है, 3-4 घंटे उसको हीट किया जाता है और उसके बाद जो रबर हार्ड रबर बनता है उस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्लियर है? अब रबर कैसे ढूंढा गया, देखिए एक कार्लस गुडियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जो है वो सल्फर और जो रबर है उसका मिक्सचर बना रहे थे और स्टोव पे, और तभी फायर लग गई, आग लग गई, और उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि उसके बाद ये जो रबर है ये थोड़ा हार्ड बन गया और इलास्टिसिटी कम हो गई। और उसके बाद उन्होंने सिस्टमेटिक वे से जो है वो सल्फर को थोड़ा थोड़ा ऐड करके देखा कि क्या होता है, और उसके बाद जो है वो रबर जो है वो ये बना और उस प्रोसेस को नाम दिया गया वल्कनाइजेशन। और आज के टाइम में उसी खोज की वजह से हम जो है वो रबर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन या बाकी चीज़ें हैं उसके लिए। तो क्लियर हो गया, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं बुक में जो दिया है ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रोडक्शन ऑफ रबर, रबर क्या है? रबर इज दो टाइप्स के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल के बारे में हमने पढ़ा कि नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द गम और सैप ऑफ ट्री। जो गम एस सैप होता है जिसी को क्या बोला जाता है, दिस सैप इज कॉल्ड लैटेक्स। लैटेक्स यानी कि एक मिल्की सब्सटेंस जो व्हाइटिश कलर का होता है, रबर है उसको एक ओडर भी होती है एंड व्हाइटिश कलर। अब वल्कनाइजेशन का देखा हमने, वल्कनाइजेशन बोला क्या है, इन दिस प्रोसेस द रबर इज हीटेड विद सल्फर फॉर 3 to 2 hours। रबर को सल्फर के साथ 3 से 4 घंटा जो है वो हीट किया जाता है एंड उसको मिक्स करने के बाद अब देखिए सल्फर ऐड कितना करना है। तो देखिए कौन सा रबर हम बना रहे हैं उस हिसाब से सल्फर को ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर हमें बहुत हार्ड बनाना है तो ज़्यादा सल्फर की ज़रूरत पड़ेगी, किस में बहुत कम लगेगा, किस में कम लगेगा, किस में बहुत ज़्यादा रहेगा, तो कौन से टाइप का रबर हम बना रहे हैं उस हिसाब से हम जो है वो सल्फर को ऐड करते हैं रबर में। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, टू गिव हार्डनेस टू रबर सल्फर इज मिक्सड इन इट, द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द पर्पज ऑफ द विच रबर विल बी यूज। यानी जो प्रोपोर्शन होता है सल्फर का, वो किस पे डिपेंड होता है कि हम रबर किस पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हम जो है वो सल्फर का प्रोपोर्शन डिटरमाइन करते हैं। जैसे इरेजर, रबर बॉल, रबर के टॉयज ऑल हैव द वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन देम, द रबर बैंड द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी लो। जो रबर बैंड्स होते हैं उसमें सल्फर का परसेंटेज बहुत कम होता है। और कैसे इसका ढूंढा गया वल्कनाइजेशन प्रोसेस, तो चार्लिस गुडियर स्पील यहाँ पे दिया है आपको। ठीक है, इन द पास्ट के इसमें चार्लिस गुडियर स्पील अ मिक्सचर ऑफ रबर एंड सल्फर ऑन द बर्निंग स्टोव। आफ्टर क्या हुआ बोलते, स्टोव को आग लग गई, यानी ही नोटिस दैट द रबर हैड बिकम हार्डर एंड लेस इलास्टिक। और उन्होंने नोटिस किया कि जो रबर है वो इलास्टिसिटी उसकी कम हो गई और बहुत ज़्यादा हार्ड बन गया। ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट इन द सिस्टमेटिक वे एंड इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। और उसके बहुत सब बार उन्होंने ये प्रोसेस जो रिपीट किया और उसी से नाम क्या दिया गया, वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, सल्फर और रबर को 3-4 घंटे हीट किया जाता है और उसी को हम वल्कनाइजेशन बोलते हैं। हार्ड एंड टफ टायर्स ऑफ रबर मेड, उसके बाद हार्ड एंड रफ टायर जो बनाए गए और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो रेगुलेशन जो है वो आ गया।
अब रबर के बारे में थोड़ा दिया है, देखिए आपको एक प्लांट भी दिया है और उसमें से एक मिल्की सब्सटेंस जो है वो जमा कर रहा है, उसी को क्या बोला जाता है लैटेक्स। तो किस देश में सबसे ज़्यादा मिलता है वो इन्फॉर्मेशन दी है, रबर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय कलेक्टिंग लैटेक्स ऑफ द सर्टन ट्रीज, यानी जो मिल्की सब्सटेंस जमा करते हैं उसी को क्या बोला जाता है लैटेक्स। रबर ट्रीज आर फाउंड इन अबंडेंट इन ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं तो ब्राज़ील पे। लेटर दिस ट्री वेयर प्लांटेड इन, उसके बाद बहुत सारे देशों में इसको लगाया गया। द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस ट्री, रबर जो जहाँ से हमें रबर मिलता है, जो लैटेक्स हमें मिलता है रबर का, उस प्लांट का नाम क्या है, हेविया ब्रासिलिनेसियस, ठीक है। तो ये इसका नाम है, हो सके तो 10-15 बार लिख के लिख लेना, याद हो जाएगा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है रबर का वो होता है केरला में। तो यहाँ पे हमने ये रबर के बारे में जो है वो प्रोडक्शन ऑफ रबर क्या होता है। नेक्स्ट इसमें हम पेपर का देखेंगे कि मैन्युफैक्चर पेपर कैसे बनता है। आज किसके हमने देखा कि प्रोडक्शन ऑफ रबर एक नेचुरल होता है, जो प्लांट से गम या सांप से उसको लैटेक्स बोला जाता है, उसके बाद इसी पे प्रोसेस करके सल्फर ऐड करके जो है उसको हार्ड रबर बनाया जाता है, और जो जिसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इसमें हम मैन्युफैक्चर रबर देखेंगे और धीरे धीरे हमारा यूनिट जो है वो आगे लेके जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।